ये मौर्या जी का व्यक्तिगत स्टेटमेंट था, ये पार्टी का स्टेटमेंट नहीं था। और देखिए, सभी हम लोग तो सभी ग्रंथों को मानने वाले हैं, भगवान राम के आदर्शों पर चल रहे हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर, जितने भी भगवान के रूप में भाई हम लोग तो सबको मानते हैं, लेकिन और इसलिए मानते हैं आपकी पार्टी की उनके बयान के बाद जो है अब ये बात निकल के आ रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम भी शूद्र हैं, इसको लेके क्या? अच्छा बताइए, आपकी ही पार्टी के दो विधायक आमने सामने हुए, आप बता रहे कि उनका निजी मामला है, दोनों के चलते आपका पार्टी का कार्यकर्ता असमंजस में है। लेकिन मैंने कहा कि उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट था, पार्टी का स्टेटमेंट नहीं था। नहीं, एक और आपके नहीं था, पूर्व आपके विधायक हैं, वर्तमान हैं, पूर्व मंत्री रहे, अच्छा उनके उन्होंने जो बयान दिया तब से आपकी पार्टी में अंतःकलह मच गया है। अच्छा, एक इनका जवाब और था, शूद्र वाला और काले झंडे क्यों दिखाए, और काले समाजवादियों का पुराना क्या जानते हो, अगर हमने तुमने काले अगर झंडे दिखाए हैं, अगर हमने काले झंडे दिखाना शुरू कर दिए हैं तो फिर कहीं इनके कोई भी मंत्री घुस नहीं पाएगा, फिर घुस नहीं पाएगा कोई मंत्री। अच्छा नेताजी, जब आरपी यादव की गिरफ्तारी हुई थी तो अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि एसपी हमारा फोन नहीं उठाते हैं, अधिकारी हमारा फोन नहीं उठाते हैं। चार यहाँ के विधायक आपके 12 बजे तक वो थे, कल आरपी यादव हो गए, 12 घंटे बाद किसी को नहीं पता चला। ये है आपके जो पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता जिनको जिम्मेदारी आपने रायबरेली को दे रखी है, उनको भी नहीं पता कि आपके कार्यकर्ता जेल में है कि बाहर पुलिस ले जा रही, तो न विधायकों को पता है, ये कोई गैपिंग है कि नहीं है? देखिए, गैपिंग नहीं है, ये तो अधिकारियों का है, अधिकारी बिल्कुल देखिए निरंकुश हो चुके हैं। किसी जनप्रतिनिधि का हमारे अभी तक डीएम ने बात नहीं करी, हम यहीं पर हैं, कल भी थे आज भी हैं यहीं पर, अभी तक डीएम ने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया, मुझे अभी तक नहीं बताया है, मुझे नहीं बताया है, हैं हमसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था आपके साथ चीटिंग की मतलब, तो अभी तक यहाँ, फिर ये समय नहीं रहेगा, ये समय नहीं रहेगा आगे भी इन अधिकारियों को इतना देखे, ये पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रजातंत्र को ख़त्म कर रही है, संविधान को भी ख़त्म कर रही है, बाबा साहब का जो संविधान का था उसका भी अवहेलना हो रही है, तो इस तरीके से थोड़े प्रजातंत्र चलता है, जबकि हमारा प्रजातांत्रिक स्वरूप दुनिया में सबसे मजबूत प्रजातांत्रिक स्वरूप। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।